लस्सी भाजी फिलहाल मसाला लग आया, थोड़ा जहा बताओ मसाला मसाला लग आया। तो कोशिश साड़ी पूरी हैगी है कि इस मसाले को जो कंज्यूम किया जाएगा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बिकॉज शॉर्ट फिल्मों का दौर पंजाब घट है, सो वी जस्ट वॉन्ट टू इनिशिएट कि वह दौर पंजाब दे विच आए तो लोग चंगे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर। बहुत टाइम हो गया ना, you've been disappeared? No, 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 I have not been disappeared. अच्छा अच्छा, फिर की कर रहे थे? आने वाले 2024 दे विच आई एम कमिंग अप विद 4 हिंदी फिल्म एज पैरेलली। रिसेंटली हमने मैं अरबाज खान जी का फिल्म शूट की है, बड़ी डिफरेंट फिल्म हैगी है। टेंटेटिव टाइटल है गद्दार, मतलब तुसी जी जो आई थिंक वो फस्ट लुक रिवील होएगी तो वो 1984 की जी दलजीत भाई की फिल्म आई सी याद कराएगी। आई हैव अ 100% सिग्निफिकेंट रोल इन द फिल्म। यू विल बी अपीयरिंग ऑन द पोस्टर एज वेल? आई विल बी अपीयरिंग ऑन द पोस्टर एज वेल। दैट मींस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो हैगा, बाकी 4 फिल्में और पाइपलाइन च हैगी, शूट हो गई हैं, डब हो गई हैं, बस रेडी टू रिलीज हैगी हैं। बाकी आई एम कमिंग अप विद मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स विद मल्टीपल द ऑल बिग ब्रांड्स। आई थिंक विद इन 10-15 डेज यू विल स्टार्ट सीइंग ऑल द कमर्शियल्स ऑन टेलीविजन। तो मोहाली का सब तो प्रोमिनेंट सरदार कह सकते हो, क्योंकि अपीयरिंग ऑन द सिल्वर स्क्रीन कह सकते हो, क्योंकि क्योंकि मैं अपने मुँहों नहीं बोलांगा, तो क्योंकि जो कम बोलना शुरू हो जाता है तो मैं हजे भी याद है जदों वैन जदों साड़ी इंडस्ट्री के लोग बॉम्बे आते हैं तो वो उत्थे मेरे होर्डिंग्स देखते हैं, तो फिर वैन दे कॉल मी तो वो बड़ा माण महसूस होता है। I feel proud. You recently got married also. I recently got married, हाँ जी। तो उस तो बाद कुछ changes हो, positive आए या negative आए या करे जाके कुछ काम करना बंद है? Being very honest, life has changed. Life का एक नवा you know mode आ जाता है, थोड़ी responsibilities बढ़ जाती हैं। और सब तो बड़ी problem जी मेरे नाल सी कि मैं हुण डिजनी का शो कर रहा सीगा चन्ना मेरिया, तो वो मेरे 25 दिन ब्लॉक्ड होंगे महीने, तो शूट चल रहा है बॉम्बे, तो वो मैनेज करना चंडीगढ़ बॉम्बे वॉज लिटल डिफिकल्ट। घर के भी नाराज़ हो जाते यार तू काम ही करी जाना, तो वो थोड़ा जहा मैनेज फैमिली लाइफ करनी औखी हो जाती है, बट आई थिंक कम भी जरूरी है। मतलब डायलॉग बोल बोल के देखते हो तो मतलब लोग मतलब घर फैमिली बोर नहीं होती कि या होती है या कहती है कि या तो इंप्रूव कराते? देखो की होंगे, फैमिली ना शुरू तो बड़ी सपोर्टिव रही हैगी है, तो मतलब जो पेरेंट्स का सुपना होंगे थोनू एक व्डे पढ़ते तो देखना, तो पेरेंट्स थोड़ा हमेशा सपोर्ट करते हैं भी राती कई बार जिमें हम रीसेंटली मैं एक आई वॉज मेकिंग एन ऑडिशन, सवेरे मेरी फ्लाइट सी तो राती 12:30 बजे मैं टेस्ट बना रहा है, सो माई मॉम वॉज देयर, माई वाइफ वॉज देयर एंड माई डैड वॉज देयर, क्योंकि वो बड़ा क्लमजी जहा टेस्ट से, वो सारे जने लगे हुए थे कि मेरा टेस्ट चंगे तरीके बन जाए। जिमें असी ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, एक जना क्यूज दे रहा है, कैमरा फड़िया हुआ है, लाइट सैट कर रहे थे, तो वो फैमिली की सपोर्ट हैगी है। आई फील ब्लेस्ड कि वो बंगलो नंबर 500 वगैरह तो बहुत हिट होने वाली है, इसका मतलब इतना ज्यादा तैयारी होती है। आई होप कि फिल्म हिट होए, बिकॉज़ असी काफी एदा प्रेप वर्क काफी स्ट्रांग है, साडी प्रिपरेशंस अच्छी हैं, तो वी जस्ट होप कि ऑडियंस नु साडा कंटेंट चंगा लगे। तुसी बॉलीवुड दे स्टार हो तो तुसी चार्ज भी नहीं कीता होना कि? देखो जी, प्रोड्यूसर मेरा दोस्त है, तो जो प्रोड्यूसर थोड़े दोस्त होंगे फिर तुम पैसा माफ होंगे, भी दोस्त दोस्त के कपड़े नहीं फटने चाहिए, बाकी फिल्म चंगी बननी चाहिए। मैम थोड़ा सा एक दुखद समाचार भी आया थोड़े दिन पहले, जब खुराना सर नहीं रहे, यू बिन वेरी मच एसोसिएटेड विद हिम, उनकी डॉटर जैसे उनकी या जैसे भी उनके साथ एसोसिएट रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी, क्योंकि आज ही के दिन 2 साल पहले ठीक इसी लिबास में मुझे गलती नवाजी गई थी मेरे गुरु से, एंड आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल एवर सिंस वो अपना शरीर त्याग गए, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक कवल एंड रोहित एंड इन अ फार बेटर स्पेस, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इमोशनल, ही वॉज मोर देन अ फादर एंड मदर फॉर मी, बट आप अब उनके साथ हैं एसोसिएटेड भी, तो उस तरह की ब्लेसिंग भी आपके साथ चलती हैं, तो आपके पास लोग आते हैं आपसे पूछने के लिए कि सारे मेरा क्या होगा? क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस, जितनी मेरी खुद की कोई वो नहीं है, बट मेरे गुरु की बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, सारे जितने भी लोग उनसे एसोसिएटेड थे, हर कोई चाहे बॉम्बे से चाहे यूएस से, दुनिया भर से, उनके शरीर त्यागने के बाद 10 दिन बाद जब मैंने ऑफिस का नंबर ऑन किया,
तो फोन आके सिर्फ कहते थे दर्शन दे दो, आप में गुरु नजर आते हैं। आई वाज सो टच्ड, मतलब मैं सबको मिली, सबको गले लगाया, सबसे मिली मैं, सबसे। एक सरप्राइज ही रह गया कि क्या हुआ था। बीमार थे वो कुछ टाइम से और पता था उन्हें, बट वो क्योंकि इतने स्पिरिचुअली पहुंची हुई आत्मा थे कि पता था, बट ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है। तो और क्या वो वाली जो हैं स्पिरिट्स हैं, जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो आपके पास हैं? लोग कहते हैं कि आप आपके पास हैं, गुरु ने खुद ही कह दिया तो लोग अपने आप कहेंगे, बट उनका आशीर्वाद है सपने में। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता व्हेन ही डजंट कम इन माय ड्रीम्स और मुझे ब्लेस करके ले जाते। अच्छा, ये आयुष्मान और अपार शक्ति जी दो उनके सुपुत्र हैं जिन्होंने नाम चंडीगढ़ का रोशन किया है। एक कमल आ गया हमारे पास तो जी, तो अब आप भी उसी रास्ते पे हो, तो आप सब आपको मिलते हैं, कैसे आगे मिलते हैं? परिवार के साथ अच्छे संपर्क हैं। और खुराना जी से लास्ट बात हुई थी जब हॉस्पिटल में, आई थिंक एक दिन पहले, दो दिन पहले, तब लास्ट के दो दिन तो वो वेंटिलेटर पे थे, दो दिन पहले। और आखिरी ये लाइन कह के गए थे जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, रात के 10 बजे उनका कॉल आया था, ही कुड हार्डली ब्रीद, और बोले कि शिल्पा जीवन में ना हर इंसान को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा रहे। और वो लाइन मुझे बहुत परेशान करती है क्योंकि यात्रा वो चले गए तो एकदम लग रहा है कि जैसे मैं अपाहिज हो गई, हालांकि इतने लोगों की उम्मीदें मुझसे हैं, बट उनकी कमी हमेशा रहेगी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। थोड़ा जरूर बड़ा रखिए, आपके दर्शक और आपके फैंस भी बनेंगे, बने हैं, पहले भी बने। इस बंगलो नंबर 511 के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा लाइन टॉपिक चेंज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। बंगलो नंबर 511 में सीधा अप्रोच किया गया या आपने अप्रोच किया या आपने बनाई है ये चीज़? मैंने टीम नहीं बनाई पर इसका जो नाम है वो दो तीन नामों में वो थे, बट फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा अपनी आया नाम रोहित वल्लो सिंह। सो माय क्वेश्चन वाज द सेम जो सारी मीडिया का सवाल था, क्या फिल्म लग रही है? सो दे वर लाइक नो, सो कैन यू सी अपनी जेडी स्टोरी तो उन्होंने दसी है उन्होंने रिकॉल करो, देन यू नो इंटरमिंगल दैट स्टोरी विद द टाइटल दैट यू हैव क्रिएटेड। फिर मैं जो देखा मैं यार दिस इज वेरी गुड, फिर देन दे वर लाइक शिल्पा ने कंसल्ट करके होगी फाइनेंशियल सपोर्ट भी पूछ लिया, उन फाइनेंशियल सपोर्ट जिहड़े कि अच्छा काम भी करते रहते हैं। सलूजा मैम एफ एम करेक्ट है, तो मैम नोबल कॉज है बड़ा आपका कि आप लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं मिडिल क्लास। हाँ, पर ये कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों के सपने तो बड़े होते हैं, ऑफकोर्स खासकर लोअर मिडिल क्लास पीपल या मिडिल क्लास पीपल, हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी नीड्स के साथ, हाउस के साथ। मन बड़ा करता है एक लग्जरी हाउस हमारे पास भी हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, पर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, उनको बताओ कहाँ पहुँचे जो मिडिल क्लास लोग हमारे हैं ना, जो व्यूअर्स हैं, वो बताओ कहाँ पहुँचे सलूजा बिल्डर्स पे। हाँ, एके इंटीरियर के नाम से, एके इंटीरियर एंड इंटरटेक इज़ माई फर्म नेम। पहले स्टार्ट मैंने इंटीरियर से किया था, ग्रेजुअली मैंने अब कंस्ट्रक्शन अपना खुद का हाउसेस प्रॉपर फ्रॉम बेस टिल फिनिशिंग। क्योंकि एक ज़रूर है, एक बिल्डर को लेकर के ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि बिल्डर बना रहे हैं तो प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से बनाएंगे, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, है ना। तो यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं जो घर बनाती हूँ ना, मैं लैंड खुद लेती हूँ, फाइनेंस में खुद करती हूँ, बेस टिल फिनिशिंग में खुद रेडी करती हूँ, पूरा प्रोजेक्ट अपनी सुपरविजन, ठीक है। और ऐसे तैयार करती हूँ जैसे मैं खुद बना रही हूँ, मतलब मेरा अपना घर है, मैं अपने पर्सनल टच देके। और खासकर बीइंग अ लेडी मैं समझ सकती हूँ, लेडीज़ को जमा सारा दिन रहना है तो उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं घर में क्या मिसिंग फील करती हूँ, तो वो कंटेंट मैं उसमें वो चीज़ें फैसिलिटीज़ डालती हूँ, फिर उस घर को रेडी करती हूँ, उसमें फाउंडेशन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत रहता है। क्या हम उम्मीद करेंगे? वो तो हो गया मेरा बिजनेस। अब ये बिजनेस के बाद आपकी फिल्म की फिल्म बंगलो 511 क्या है? 511 नंबर कुछ खास है इसका? एक्चुअली अभी जैसे शिल्पा ने डिस्कस किया,
थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से रिलेट करता है ये. उन्होंने ये नंबर एक आइडियल नंबर सजेस्ट किया विच इज़ न्यूमरोलॉजी के लिए बेस्ट नंबर. अदरवाइज टाइटल कुछ ऐसा ही था पर नंबर वो डिजिट्स वर चेंज्ड लेटर ऑन राइट. और बाकी हमने आपको अभी बताया कि पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है बट हम विजन ऑडियंस का विजन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स नॉट अ हॉन्टेड काइंड ऑफ मूवी इट्स अ मिक्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है इसमें सभी तरीके के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू बस आप सबके सपोर्ट चाहिए. थैंक यू.